हेलो एंड वेलकम टू कॉकटेल कुकिंग। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न्स यानी मकई के दाने को चार अलग तरीकों से, जैसे क्रिस्पी कॉर्न, चटपटी चाट, ऑथेंटिक चीज एंड चिली वर्जन, मसालेदार वर्जन और हम सबका फेवरेट सिंपल एंड बेस्ट बटर कॉर्न्स। तो चलिए अब जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, याद से बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम रोजाना कॉकटेल कुकिंग पे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन और लाजवाब फूड रेसिपीज लाते रहेंगे। सबसे पहले हमें स्वीट कॉर्न्स को बॉईल करना होता है। उसके लिए हम एक डेगची ले लेंगे, उसमें दो ग्लास जितना पानी डाल देंगे ताकि कॉर्न्स अच्छी तरीके से डूब जाए। इसमें ऐड कर देंगे 3 कप जितने स्वीट कॉर्न्स के दानों को अच्छी तरीके से वॉश करके। आप चाहें तो इसे स्टीम भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पानी के साथ बॉईल किया है। 1 टीस्पून जितना नमक ऐड करके हम इसे ढक्कन ढक के बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच पर। 3 से 4 मिनट बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मकई के दाने कितनी अच्छी तरीके से फूल के पक चुके हैं। एकदम परफेक्ट और इजी तरीका है मकई के दानों को बॉईल करने का। क्रिस्पी और चटपटी मसालेदार कॉर्न चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप उबले हुए मकई के दाने, 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च, 1 छोटी प्याज, 1 छोटा टमाटर ऑप्शनल है, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच चॉप्ड कोथमीर, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम एक पैन या कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे तेल, इतना लेना है तेल जिसमें ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। फिर हम मकई के दानों में 1 बड़ा चम्मच जितना कॉर्न स्टार्च का ऐड कर देंगे। चम्मच की सहायता से थोड़ा उसको मिला लेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से दानों में चिपक जाए। जैसे तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए हम उसमें डाल देंगे मकई के दानों को जिन्हें हमें कॉर्न स्टार्च में कोट किया है। इन्हें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्पी होने तक ही फ्राई करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम एक बाउल में 1/2 कप जितने मकई के उबले हुए दानों को ऐड कर देंगे। उसमें डालेंगे 1 छोटी प्याज चॉप, 1 चुटकी नमक, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप तीखा लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, अगर आप चाहें तो आप इसमें चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट और ज्यादा बढ़ाने के लिए। जरा सी चॉप कोथमीर ऐड कर देंगे इसमें और सबसे आखिर में 1 बड़ा चम्मच नींबू का। अगर आप नींबू ऐड कर रहे हैं तो इससे क्रिस्पी नेस जो है मकई के दानों की वो खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने इसे फ्राई किया है, इसलिए आप नींबू डालने के बाद इसे फौरन से सर्व करें। दूसरा वर्जन मसालेदार बटर कॉर्न्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप उबले हुए कॉर्न्स, 1 बड़ा चम्मच मेल्टेड बटर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच कोथमीर, नमक स्वाद अनुसार। फिर से अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जितना उबले हुए ये स्टीम्ड मकई के दानों को। उसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच पिघला हुआ मस्का, मैंने यहाँ अमूल बटर इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। चम्मच की मदद से हम बटर को अच्छी तरीके से मकई के दानों में लगा लेंगे ताकि वो हर तरफ से कोट हो जाए। नमक ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक होता है। 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जरा सी कोथमीर के साथ हम सारी चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेंगे और आपका मसालेदार स्वीट कॉर्न्स विद बटर बनकर तैयार है। आप इसे एंजॉय कीजिए। अमेरिकन चिली चीज बटर कॉर्न्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप स्वीट कॉर्न्स, 1/2 छोटा चम्मच हरी मिर्ची फाइन चॉप, 1 छोटा चम्मच बटर, 1 बड़ा चम्मच चीज, 1/2 छोटा चम्मच कोथमीर, नमक स्वाद अनुसार। एक बाउल में हम 1/2 कप जितना स्वीट कॉर्न्स उबले हुए या स्टीम्ड ऐड कर देंगे। 1/2 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची, मैंने यहाँ सिर्फ 1 छोटी हरी मिर्ची इस्तेमाल की है, तीखा आप हमेशा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच बटर ऐड करके इसे बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे आपस में। मिर्ची देख के आप जरा भी ना घबराएं क्योंकि ये अमेरिकन स्टाइल में चिली चीज स्वीट कॉर्न रेसिपी है। हर चीजें हर फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से इसमें बैलेंस हुआ है, इसलिए आप ये वर्जन जरूर ट्राई करें। थोड़ी सी कोथमीर ऐड करके पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें डाल देंगे। अब जितनी आपको चीज चाहिए आप उतनी इसमें क्रश करें और आपका फ्लेवरफुल स्पाइसी चीजी स्वीट कॉर्न्स बनकर तैयार है। सिंपल
एंड क्लासिक बटर कॉर्न्स बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप उबले हुए मक्के के दाने, आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, ये ऑप्शनल है, एक छोटा चम्मच बटर, एक छोटा चम्मच कोथमीर नमक स्वाद अनुसार। उबले हुए या स्टीम मक्के के दानों में हम ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच बटर। इसे अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद जरा सी कोथमीर और नमक ऐड करके आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें एक चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीजों को आपस में अच्छे तरीके से मिला लें और हम सबका फेवरेट सिंपल क्लासिक बटर स्वीट कॉर्न्स बनकर तैयार है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कॉर्न्स को सिंपल सादा उबालने से बेहतर है कि हम इसे अलग अलग यही सब वर्जन्स में बनाकर भी इसका बहुत ही ज्यादा मजा ले सकते हैं। इन समय से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका फेवरेट वर्जन कौन सा है। विंटर में बन जाने वाली रेसिपी है और बारिश में तो इसका कोई जवाब नहीं है, तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी ज्यादा बेहतरीन, लाजवाब, यूनिक, सिंपल, बेस्ट और क्लासिक रेसिपीज के लिए इस चैनल कॉकटेल कुकिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी याद से प्रेस करें ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खाइए, खिलाइए, दुआओं में याद रखिए।